हेलो एवरीवन, वेलकम टू रूपास पैशन वर्ल्ड। दोस्तों, आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी किस तरह से आप घर में ही बहुत ही आसान तरीके से फेयरनेस फेस पैक बना सकते हैं। पार्लर फेशियल जैसा ग्लो आप घर पे ही ला सकते हो एकदम नेचुरल तरीके से। इसके लिए आपको ज्यादा पैसा खर्च करने की भी कोई जरूरत नहीं है। घर के सामान से बहुत ही आसान तरीके से आप अपनी स्किन को फेयर, ब्राइट और ग्लोइंग बना सकते हैं। पार्लर जाके महंगे से महंगा फेशियल करने के बाद, ट्रीटमेंट करने के बाद जैसे स्किन में ग्लो आता है ना, बिल्कुल वैसा ही ग्लो आज की इस रेमेडी आपके स्किन में लेके आएगी। ये आपके स्किन से टैनिंग को, कालापन को, मैल को, दाग धब्बे को दूर करेगी और स्किन में बहुत ही अच्छा निखार और ग्लो लेके आएगी। पार्लर फेशियल जैसा ग्लो इंस्टेंट आप चाहिए तो ये रेमेडी जरूर ट्राई करना। ये रेमेडी आपकी स्किन में इतना अच्छा निखार लेकर आएगी कि आपको मेकअप करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस रेमेडी के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया है हल्दी। जी हाँ दोस्तों, हल्दी हमारे स्किन के लिए बहुत ही अच्छा है। ये आपकी स्किन टोन को इम्प्रूव करती है, दाग धब्बे को दूर करती है। अगर आप हल्दी में ढेर सारे एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती है जो कि आपकी स्किन से ना एक्ने, रैशेस इस तरह की प्रॉब्लम को कम करने में मदद करती है। तो मैंने यहाँ पर आधा चम्मच हल्दी लिया है। मैंने यहाँ पर कस्तूरी हल्दी का इस्तेमाल किया है। मैं वही सजेस्ट करूंगी आप भी कस्तूरी हल्दी का इस्तेमाल कीजिए। अगर नहीं है तो आधा क्वांटिटी में, मैंने जितना लिया है उसके आधा क्वांटिटी में आप किचन की हल्दी ले सकते हैं। नेक्स्ट मैंने यहाँ पर डाला है एक चम्मच शक्कर। शुगर में ग्लाइकोलिक एसिड होता है जो कि आपकी स्किन से ना दाग धब्बे को दूर करने में मदद करती है और स्किन में बहुत ही अच्छा ग्लो लेके आती है। दोनों चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। नेक्स्ट मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ शैम्पू। मैंने यहाँ पर क्लिनिक प्लस का शैम्पू लिया है। आप चाहे तो शैम्पू के बदले फेस वॉश भी ले सकते हैं, जो कि आपकी पसंदीदा फेस वॉश है वो ले सकते हैं। कोई और ब्रांड का शैम्पू भी ले सकते हैं, लेकिन अगर वो व्हाइट हो, उसमें कोई कलर ना हो तो ज्यादा अच्छा है। जैसे कि आप डाव ले सकते हैं, व्हाइट कलर के पैंटीन ले सकते हैं। इस तरह की बहुत से लोग मुझे कमेंट करते हैं कुछ और शैम्पू ले सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा कुछ माइल्ड सा शैम्पू होना चाहिए। जैसे कि आप चाहे तो बेबी शैम्पू भी यहाँ पर ले सकते हैं। मैंने काफी सारे ऑप्शन आपको बता दिया है। अब अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेना है। शैम्पू क्या करता है, आपकी स्किन में जितनी भी गंदगी है, जितनी भी पुराने से पुराने जमा हुआ मैल है ना, उसे काटने में मदद करती है। नेक्स्ट मैंने यहाँ पर थोड़ा सा कोलगेट टूथपेस्ट लिया है। कोलगेट क्या करता है, आपकी पोर्स को डीपली क्लीन करता है, दाग धब्बे को कम करता है, एक्ने रैशेस को कम करने में मदद करती है। जैसे कि कोलगेट आपकी दांतों की सफाई करती है ना, उसी तरह से आपकी स्किन को भी साफ करती है। डेड स्किन सेल की जो लेयर है उसे रिमूव करती है, पुराने से पुराने जो डार्क पैच है, डार्क धब्बे है, उसे भी कम करने में मदद करती है। मैंने यहाँ पर व्हाइट कलर की टूथपेस्ट लिया है और आपको ध्यान रखना है वो इसी व्हाइट कलर की टूथपेस्ट को ही आपको लेना है। अब अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद आप देखेंगे इस तरह से एक पेस्ट सा, स्मूथ सा, क्रीमी सा पेस्ट बनके तैयार हो जाएगा। अब इसे हम छोड़ देंगे 4 से 5 मिनट के लिए ताकि ये अच्छी तरह से सेटल हो सके, हर चीजें एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से घुल मिल सके। तो चलिए देखते हैं अब इसे किस तरह से इस्तेमाल करना है। आप देख सकते हैं हमारा जो फेस पैक है वो बनके बिल्कुल तैयार है। अब मैं क्या कर रही हूँ, एक गीले टॉवल की मदद से फेस को अच्छी तरह से क्लीन कर रही हूँ। आप चाहे तो नॉर्मल वाटर से भी फेस को धो के क्लीन कर सकते हैं। इसमें ऑलरेडी शैम्पू मिलाया हुआ है इसलिए मैंने फेस वॉश नहीं किया है, लेकिन अगर आपकी स्किन में मेकअप है तो आप ज़रूर उसे रिमूव कर लीजिए, उसके बाद इसे अप्लाई कीजिए। तो सबसे पहले क्या करना है, अपने फेस पर अच्छी तरह से इसे अप्लाई करना है एज ए फेस मास्क। मैं इसे अपने फेस पे अप्लाई करके दिखा रही हूँ। आप चाहे तो इसे हाथों पैरों में, फुल बॉडी पे भी इसे अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनकी गर्दन पे, एल्बो पे, नी पे, बैक पे, अंडर आर्म में डार्क पैच हो जाती है, कालापन आ जाती है, उस प्रॉब्लम को भी क्योर करने में, यानी उस डार्क पैच को रिमूव करने के लिए भी आप इस रेमेडी को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपके स्किन से पुरानी गंदगी और मैल को रिमूव करेगा। हाथों पैरों में भी जितनी भी गंदगी होती है ना, उसे भी अच्छी तरह से रिमूव करेगा। तो मैंने मेरे फेस पर अच्छी तरह से इसे अप्लाई कर लिया है एज ए फेस मास्क। इसे लड़का, लड़की, टीनेजर कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जिनकी स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव है उसे वो थोड़ा पैच टेस्ट कर लीजिए। तो मैंने मेरे फेस पे इसे 5 मिनट तक रहने दूंगी ताकि ये जो रेमेडी है अच्छी तरह से वर्क कर सके। अगर हाथों पैरों के लिए आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप इसे 10 से 15 मिनट तक रहने दीजिए।
तो 5 मिनट हो गया है, 5 मिनट बाद मैं क्या कर रही हूँ, मैं स्किन को अच्छी तरह से इससे स्क्रब कर रही हूँ। जस्ट 2 से 3 मिनट इस तरह से स्क्रब करना है। इससे क्या होगा, आपकी स्किन में जितनी भी डेड स्किन सेल की लेयर है, टैनिंग है, पोर्स के अंदर जितनी भी जमी हुई गंदगी है, मैल है, उसे ये रिमूव कर देगा। ये फेस मास्क आपकी स्किन से दाग धब्बे को भी कम करने में मदद करेगा। नोज एरिया में, चीन एरिया में, फोरहेड एरिया में, जहाँ पर ब्लैक हेड व्हाइटनेस हो जाते हैं, उस जगह पर भी आप हल्के हाथों से स्क्रब कीजिए। ये आपके स्किन से व्हाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स की जो प्रॉब्लम है ना, उसे भी रिमूव करने में मदद करेगा। और ये रेमेडी सबसे अच्छा वक्त है रात को इस्तेमाल करने के लिए। कभी भी आप डी टैन फेशियल करें या फिर फेशियल करें ना, अब रात को इस्तेमाल कीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट ही आपको देगा। क्योंकि हम दिन में बाहर जाते हैं, धूप में निकलते हैं, खाना पकाते हैं, तो जिसकी वजह से हमें स्किन में ना मैल, ऑयल, धूल मिट्टी आके चिपक जाती है, इसके लिए रात को करना ही सही है। तो मैंने क्या किया है, अब एक गीले टॉवल की मदद से फेस को क्लीन कर रही हूँ, और आप देख सकते हैं स्किन कितना क्लीन क्लियर हो गई है। ये रेमेडी आपकी स्किन को इंस्टेंट लाइटन ब्राइटन करेगा। किसी भी शादी पार्टी फंक्शन में जाने से पहले आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इंस्टेंट आपकी स्किन में ये पार्लर फेशियल जैसा ग्लो लेके आएगा। इस मास्क को अच्छी तरह से रिमूव करने के बाद मैं नॉर्मल वाटर से फेस को अच्छी तरह से क्लीन कर लूंगी। फेस मास्क को अच्छी तरह से रिमूव करने के बाद आप देख सकते हैं स्किन कितने क्लीन क्लियर और ब्राइट हो गई है। यह आपकी स्किन से टैनिंग को रिमूव करेगा, दाग धब्बे को कम करने में मदद करेगा और स्किन को इंस्टेंट ब्राइट बनाएगा। नेक्स्ट क्या करना है, स्किन को अच्छी तरह से मॉइस्चराइज करना है। तो मैंने यहाँ पर एलोवेरा जेल लिया है स्किन को मॉइस्चराइज करने के लिए। मेरी स्किन में बहुत ही अच्छी तरीके से एलोवेरा जेल सूट करता है, और मैं खास करके गर्मियों में ना एलोवेरा जेल को एज ए मॉइस्चराइजर इस्तेमाल करती हूँ। आप कोई भी मॉइस्चराइजर ले सकते हैं जो कि आपकी स्किन को सूट करे। एलोवेरा जेल ले सकते हैं, मॉइस्चराइजर ले सकते हैं, सीरम ले सकते हैं जो कि आपकी स्किन में सूट करता है। तो इसे अप्लाई करने के बाद मैंने मेरी स्किन में अच्छी तरह से इसे मसाज दे दिया है ताकि स्किन मॉइस्चराइज रहे, स्किन में बिल्कुल ड्राइनेस ना आ जाए। और आप देख सकते हैं इसका रिजल्ट, स्किन कितना क्लीन क्लियर ग्लोइंग और ब्राइट हो गई है। अब हफ्ते में इसे एक बार इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर किसी भी शादी पार्टी फंक्शन में जाने से पहले इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इंस्टेंट ये आपकी स्किन को लाइटन ब्राइटन करेगा, टैनिंग दाग धब्बे को दूर करेगा, स्किन में पुराने से पुराने जो भी मैल है, गंदगी है, उसे रिमूव करके स्किन को एकदम लाइटन ब्राइटन ग्लोइंग बना देगा। और रिजल्ट आप देख सकते हैं, स्किन कितना क्लीन क्लियर और ग्लोइंग हो गई है। वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर कर देना, बेल बटन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। रेमेडी को ट्राई करना, कैसा रिजल्ट मिला है जरूर कमेंट करके बताना, और जिनकी स्किन बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है वो जरूर पैच टेस्ट करके उसके बाद इसे अप्लाई कीजिएगा। तो शुक्रिया दोस्तों वीडियो को देखने के लिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।